गोरखनाथ थाने की पुलिस ने दिल्ली से शादी समारोह में सम्मिलित होने आए आवेदिका के गायब हुए ट्रॉली बैग को ऑपरेशन ट्रिनेटर के तहत सकुशल बरामद किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि 9 दिसंबर को आवेदिका दिल्ली निवासी सोनिया द्वारा थाना गोरखनाथ पर लिखित सूचना दिया गया कि वह दिल्ली से परिवार सहित विवाह समारोह में सम्मिलित होने हेतु गोरखपुर आई थी। लोटस वैली रिजॉर्ट से ऑटो रिक्शा में बैठकर लेबर तिराहा थाना क्षेत्र गोरखनाथ में उतरी, जिनका लाल रंग का वीआईपी कंपनी का ट्रॉली बैग जिसमें कपड़े व गहने थे गुम हो गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर तत्काल गुमशुदगी को दर्ज किया गया। आवेदिका के बैग बरामद करने हेतु दो टीमें गठित कर लगाई गई। उक्त टीमों द्वारा नकहा ओवरब्रिज से लेबर तिराहे तक रास्ते में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया, परंतु उक्त ऑटो रिक्शा का नंबर स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद ऑपरेशन ट्रिनेत्र के यूनुस खान की मदद से उक्त ऑटो जिसमें आवेदिका का बैग छूटा था उसका नंबर प्राप्त किया गया। ऑटो का नंबर प्राप्त होने पर टीम द्वारा उसके मालिक का पता लगाया गया एवं आवेदिका का बैग बरामद किया गया, जिसमें करीब 1 लाख के गहने व शादी समारोह में शामिल होने हेतु लाए गए महंगे कपड़े बरामद कर संपूर्ण सामान सहित आवेदिका का बैग उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया, जिसके बाद आवेदिका के परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद दिया। बरामद करने वाली पुलिस टीम में गोरखनाथ थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अवधेश चंद्र मिश्र, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार यादव, कांस्टेबल राणा प्रताप सिंह, धर्मेंद्र कुमार, यूनुस खान शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आवेदिका के परिजन विंध्य राज सिंह एवं एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, राजकुमार भैया लेकर लोन नहीं राजा मुझे नहीं थी, उम्मीद खत्म कर चुके थे सर। नहीं नहीं सर, नहीं केस तो वर्कआउट ही बड़े बड़े करते हैं, लेकिन ये इनके लिए मोटिवेशन है। चलिए चलिए, जहाँ कहीं भी समाज में अच्छाई दिखे तो उसकी पुलिस के बारे में तो सब जरूर से बोलिएगा, ठीक है। उपेंद्रराज सिंह जी सर, ये गायब हुआ था हमारा लेबर तिराहा गोरखनाथ में मंदिर के सामने। मैं उपेंद्रराज सिंह दिल्ली से आया था, शादी अटेंड करने आया था। और तो जी, कितने का सामान रहा था? 1.5 लाख वर्थ का सामान था हमारे पास, गोल्ड ज्वेलरी थी, कपड़े थे जी। पुलिस को इत्तला की हमने थाने में जाकर, गोरखनाथ थाने में, तो सर के माध्यम से ट्रेनियत कैमरे के द्वारा जैसे तैसे ने बहुत अथक मेहनत करके, एक हमारे मिश्रा जी हैं उन्होंने बहुत अथक मेहनत की और जा करके क्विक जो है मतलब इन्होंने बरामद किया हमें टाइम से, बहुत क्विक टाइम ने दिया उन्होंने। इतना मुझे उम्मीद नहीं थी और मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था शायद मेरा सामान मिले, क्योंकि एक बार पुलिस चोर से साथ गया सामान बहुत कमी वापस मिल पाता है। गोरखपुर पुलिस के लिए मैं बहुत सराहना करूँगा कि इतनी क्विक बिजी लाइफ में इतने क्विक मतलब डिसीजन लेकर के और धर दबोचा अपराधी को, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जितनी उन्होंने किया, बहुत अथक मेहनत करके किया इन्होंने। जनपद गोरखपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र को लगातार उसके माध्यम से कई प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाया जा रहा है, उसी अनुक्रम में आज थाना गोरखनाथ को एक अच्छी सफलता मिली, जिसमें इंस्पेक्टर महोदय के पास एक तहरीर आई जिसमें बताया गया कि 9 तारीख की शाम को सोनिया वार दिल्ली के निवासी व्यक्ति अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में आए थे, उस शादी में आए जिस बैग को ऑटो में भूल गए और उस बैग में 1 लाख रुपए से ज़्यादा की ज्वेलरी, महंगे कपड़े एवं वह बैग ऑटो में ही भूल गए और उसके बाद में फिर वो ऑटो वाला उसको लेके फरार हो गया। इस तहरीर मिलने के बाद में चौकी प्रभारी धर्मशाला एवं इंस्पेक्टर साहब की टीम ने इसमें लग के कुछ कैमरे आइडेंटिफाई किए, उससे कई ऑटो शॉर्टलिस्ट हुए लेकिन वो उसको उस बेसिस पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद में फिर उन्होंने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे कैमरों को भी आइडेंटिफाई किया, उन कैमरों के आधार पर एवं ITMS की मदद से क्लियर कट 3 ऑटोज आइडेंटिफाई हुए। उनमें से फिर वादी से दोबारा बातचीत की गई तो पता चला कि एक ऑटो की यूनिक से उसमें जाली लगी थी, उसके बेसिस पे उसको फिर आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद उस ऑटो के मालिक से फिर जिसको सब लीज किया गया था और उसको फाइनली जो ड्राइवर उसको चला रहा था उसको फिर पकड़ के उससे सारा का सारा 100% रिकवरी की गई है एवं ऑटो को चालक को हिरासत में लिया गया, ऑटो को भी बरामद कर लिया गया है। थैंक यू।